नमस्कार, मैं उत्पल श्री अरविंदो सोसाइटी की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। हम शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार ZIIEI जीरो इन्वेस्टमेंट इनोवेशन फॉर एजुकेशन इनिशिएटिव के हित एक रोमांचक एवं मनोरंजक नवाचार के बारे में आपको बताएंगे। मैं इस वीडियो में शून्य निवेश शिक्षण तकनीक से संबंधित असम के अभिनव शिक्षकों द्वारा विकसित एक नवाचार जिसका नाम है डम शरार्ट्स, जो कि खेल खेल में शिक्षा लर्निंग थ्रू गेम्स के अंतर्गत आता है, उसके बारे में बताऊंगा। डम शरार्ट्स तो आप सभी को पता ही है, जिसमें एक प्लेयर कोई भी वर्ड या फिर कोई टॉपिक के ऊपर एक्टिंग करता है और बाकियों को उसके बारे में बताना होता है। ये काफ़ी फेमस गेम है जो कि हम सभी ने बचपन काल में खेला है। इस एक्टिविटी के अंतर्गत टीचर कोई भी टॉपिक पढ़ा सकता है। इसमें सभी एज ग्रुप के छात्र खेल सकते हैं। ये हफ्ते में एक बार या शिक्षक अपने अनुसार खिलवा सकता है। ये एक ऐसे शिक्षण तकनीक है जिसमें टीम की कोई आवश्यकता नहीं होती और इस गेम के अंतर्गत शिक्षक कोई भी टॉपिक पढ़ा सकता है और उसका रिवीजन भी करवा सकता है। अब इसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है? शिक्षक एक टॉपिक लेता है और जिसके अंतर्गत कीवर्ड्स, फ्रेजेस, आइटम्स छात्रों को समझाते हैं और डम शरार्ट्स के लिए प्रिपेयर किया जाता है। इसको खेलने के दो तरीके बताए गए। पहले तरीके के अंतर्गत छात्रों को दो भागों में बांट दिया जाता है, ग्रुप ए ग्रुप बी। ग्रुप ए के मेंबर में से एक को बुलाया जाता है और ग्रुप बी उनको एक स्लिप देते हैं जिसमें उसके अंतर्गत उसको एक्टिंग करनी होती है। अगर ग्रुप ए के मेंबर आंसर दे पाते हैं तो उन्हें अंक दिया जाता है, अगर नहीं दे पाता तो उन्हें अंक नहीं मिलता। दूसरे तरीके के अंतर्गत ठीक इसी प्रकार दो ग्रुपों में बांट दिया जाता है। इसमें ग्रुप ए के कैप्टन को आगे बुलाया जाता है और वो अपने मेंबर की तरफ मुंह करके खड़ा होता है। बोर्ड पर शिक्षक कोई आकृति या वर्ड लिखता है जो कि ग्रुप कैप्टन को दिखता नहीं और बाकी मेंबर उसे बताने की कोशिश करते हैं कि पीछे क्या आकृति बनी है, क्या वर्ड लिखा हुआ है। अगर वो बताने में सफल होता है तो उसे अंक दिया जाता है, अगर वो सफल नहीं होता तो उसे अंक नहीं मिलते। इसी प्रकार जो ग्रुप ज़्यादा अंक लाएगा उसे विजेता घोषित किया जाता है। ये एक ऐसी एक्टिविटी है जिसके अंतर्गत छात्रों में संज्ञानात्मक, कल्पनाशील एवं रचनात्मक जैसी कौशल विकसित किए जा सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप इस एक्टिविटी को अपने स्कूलों में क्रियान्वित करेंगे। अगर आपको इस प्रकार की और अधिक वीडियो चाहिए तो आप YouTube में ZIIEI YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, और अगर आप ये वीडियो Facebook में देख रहे हैं तो हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।